नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध रूप से एक सीनियर सिटीजन डॉक्टर और उनके बेटे का डीमैट अकाउंट फ्रीज करने के लिए बीएससी एनएससी और सेबी पर 80 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। तीनों निकायों को मिलकर 2 हफ्ते में जुर्माने की भरनी होगी रकम। बाप बेटे और बेटी की अलग अलग याचिका में जारी किया गया है आदेश। पश्चिम रेलवे ने गोरेगांव से कांदिवली के बीच छठी लाइन बिछाने का कार्य किया शुरू। इसके कारण यात्रियों को हो सकती है असुविधा। 28 और 29 अगस्त की रात 5 घंटे का किया जाएगा ब्लॉक, जिससे कई लोकल ट्रेनें होंगी प्रभावित। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और एक अन्य के खिलाफ मामला किया दर्ज। पिछले साल नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग के मालवन तहसील के राजकोट किले में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का किया था अनावरण। बदलापुर कांड में सस्पेंड शिक्षा अधिकारी ने अपने निलंबन के आदेश पर रोक लगाने का किया अनुरोध। शिक्षा अधिकारी ने किया दावा कि मामले में सरकार का आदेश राजनीति से है प्रेरित और उन्हें बनाया गया है बलि का बकरा। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने की है जरूरत। इसके साथ ही उनकी सोच में भी बदलाव लाने की है जरूरत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी की आज है बैठक। इस बैठक में शरदचंद पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और सांसद संजय राउत समेत कई नेता होंगे मौजूद। मुंबई में दही हांडी उत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मानव पिरामिड बनाने में शामिल कम से कम 206 गोविंदा हुए घायल, जिनमें से 15 गोविंदाओं को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई सुरक्षा। उनके पास पहले से है जेड प्लस सुरक्षा, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तरह मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन किया गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद गरमाई राजनीति। विपक्षी दलों ने की राज्य सरकार की आलोचना और उनके काम की गुणवत्ता पर उठाए सवाल और शिंदे सरकार की इस्तीफे की कर रहे मांग। शिव भक्तों में भी दिखने लगा है आक्रोश। इसी बीच भाजपा नेता नारायण राणे ने दिया बयान, कहा इस घटना को मराठा शासक का अपमान नहीं कहा जा सकता। मुंबई के दादर, बोरीवली, कांदिवली समेत कई जगहों पर लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पालघर, थाने समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।